दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एमबीए, एमसीए, बी और बी फार्मा के छात्रों को सम्मानित किया गया। अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कॉलेज के 394 पास हुए बच्चों को डिग्रियां वितरित की। डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्रा ने कहा कि बच्चों को आज के समय के हिसाब से टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहना चाहिए, जिससे वह हमेशा आगे बने रहें। इस मौके पर केआईटी के डायरेक्टर समेत पूरा स्टाफ और सभी विद्यार्थी मौजूद रहे। देखिए, आज केआईटी कानपुर ने अपना दीक्षांत समारोह किया, जहां पर इसके पास आउट 394 बच्चे थे, उनको कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, फार्मेसी और अन्य ब्रांचों में बीटेक, एमटेक, बी फार्मा इत्यादि की डिग्री वितरित की गई। मैं एकेटीयू का कुलपति हूँ, अतः उन्होंने दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में मुझे यहाँ बुलाया था और मेरे हाथों बच्चों को उन्होंने डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन कराया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्रा जी आए, उन्होंने 392 बच्चों को डिग्रीज डिस्ट्रीब्यूट की। हर ब्रांच के टॉपर जो है उनको जो है मेडल्स प्रदान किए गए। और हमारे यहाँ फार्मेसी बी फार्म कोर्स की जो टॉपर है वो यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट में भी थी, उसकी 8th पोजीशन थी, उसको संस्थान की तरफ से 20,000 रुपये का कैश अवार्ड दिया गया और वाइस चांसलर साहब ने उसको गोल्ड मेडल प्रदान किया। मुझे गोल्ड मिला है क्योंकि मैंने यूपी मेरिट लिस्ट में नाम लाया है और मेरा फर्स्ट रैंक आया है गोल्ड मेडल में, दैट्स व्हाई मुझे गोल्ड मेडल मिल रहा है। के आई टी बहुत ही अच्छा कॉलेज है, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ का फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं, स्पेशली रजनीश सर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है पढ़ाई में, हमेशा मदद करी, हेल्प करी आगे बढ़ने में। यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। आज 14th कन्वोकेशन प्रोग्राम है के आई टी में और मुझे आज गोल्ड मेडल मिल रहा है, बट ए पी जे अब्दुल कलाम से आए हैं टेक्निकल जो, वो मुझे अवार्ड देंगे। आज 14th कन्वोकेशन है जहाँ पे हम लोगों को हमारी डिग्रीज मिल रही है एमबीए की। यहाँ पे ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल इज वेरी मच लाइक दे हेल्प अ लॉट। ऑलरेडी प्लेसमेंट हो चुका है प्लैनेट पार्क में और अभी मैं वहीं पे काम कर रही हूँ। किन लोगों का योगदान रहा? स्पेशली ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल और हमारी फैकल्टीज का भी और बेसिकली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट।